हाय गाइस, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कांजे की रेसिपी। आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी कांजे की, लेकिन ये बिल्कुल अलग रेसिपी है। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बस कुछ टिप्स के साथ आप इसे बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं मिट्टी के घड़े का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे चीनी मिट्टी के किसी बर्तन में या फिर कांच की किसी बॉटल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी के घड़े को बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए। इसके साथ मैं एक ढक्कन का भी यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 2 लीटर के करीब ये मैंने पानी लिया है। इसे मैंने बॉइल करके ठंडा कर लिया है। आप चाहें तो आरओ का पानी भी यूज कर सकते हैं या फिर मिनरल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने लिए 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच भुनी हुई अजवाइन और 1/2 चम्मच ही भुना हुआ जीरा। इन सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए पीस चुका है। अब हम मटके में पानी डालेंगे जो हमने उबाला हुआ था, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। इसमें हम जो हमने मसाला पीसा वो भी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर दरदरा पिसा हुआ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच सफ़ेद नमक और इसमें मैं डालूंगी 1 गाजर के स्लाइसेस काट के और 1 चुकंदर के स्लाइसेस काट के डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे ढक के हम रख देंगे सनलाइट में। इसे कम से कम 3 दिन लगते हैं अच्छे से तैयार होने में। तो 3 दिन आप इसे धूप में रखिए या फिर इसे गर्म जगह पे रखिए जिससे ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाए। 3 दिन हो चुके हैं। चलिए हम अपनी कांजी चेक कर लेते हैं। कांजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है इसमें। इसमें हम डालेंगे अब बूंदी और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और तैयार हो गई हमारी मस्त कांजी। आप इसे होली पे या कभी भी बना सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व करिए ऐसे ही। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छा पाचक है। डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे आप कभी भी बना सकते हैं। और ये गर्मियों के लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इस होली को इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय गाइज़।